दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ, नहीं यहाँ। अगर आप मौज फॉर क्रिएटर के बारे में जानते हैं तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि मौज फॉर क्रिएटर में 90 दिन यानी कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है, और इस 3 महीने के बाद क्या होगा इसको हम समझते हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ो ना चाहो तो। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मौज एप्लीकेशन की, लेकिन इस मौज एप्लीकेशन से पहले मैं आपको बता दूँ, मौज फॉर क्रिएटर यानी MFC के नाम से आपने सुना है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एंटर्ड होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अच्छी वीडियोज़ बनानी है, क्वालिटी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, हैशटैग अच्छे होंगे, कैटेगरी अच्छी होगी, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं मौज फॉर क्रिएटर में। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का सवाल और टॉपिक है कि हम 3 महीने के लिए एक ऐसे प्रोग्राम में हैं जिसका नाम मौज फॉर क्रिएटर है, और हमारे बड़ी ने हमें बताया है कि इन 3 महीनों के अंदर हमारी इंक्रीजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन 3 महीनों के बाद क्या होगा ये आज का टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं कि इन 3 महीनों के बाद कुछ नहीं होने वाला। इन 3 महीनों के बाद हमारे पास जो मैनेजर है वो हट भी सकता है और चेंज भी हो सकता है या परमानेंटली ख़त्म भी हो सकता है। मौज फॉर क्रिएटर ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने लेवल पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी आप लोग स्टार्टअप हो, जिन लोगों के स्टार्टिंग है उन लोगों को शायद नहीं पता, जो लोग मौज फॉर क्रिएटर में आज से 2-3 महीने पहले से आ चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। और मैं आपको अपनी तरह से बताऊं, मेरे मौज पर आज से 3 महीने पहले कुछ ये फॉलोवर्स हुआ करते थे, यानी कि 1 लाख, ठीक है। तो अब 1 लाख फॉलोवर्स मेरे आज से 3 महीने पहले थे, लेकिन जब से मैंने मौज फॉर क्रिएटर ज्वाइन किया मेरे 1 लाख फॉलोवर्स से आज ये रिज़ल्ट मेरे सामने है, जो 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं। अब इन 3 महीनों के अंदर मुझे मौज बडी ने बहुत कुछ बताया। अब ये मौज बडी मैं आपको पहले बताता हूँ, मौज बडी आपका मौज मैनेजर होता है जो आपको गाइड करता है कि आप अपनी वीडियोस को कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें एडिशनल आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जब मुझे 3 महीने के टाइम में लिया गया तो मेरे पास जब फॉलोवर्स गेन होना शुरू हुए तो मुझे पहले बताया भी था कि आपकी जो वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ में हैशटैग अच्छे नहीं हैं, आपकी वीडियोज़ में एक कैटेगरी नहीं है, आपकी वीडियोस में एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, आपकी वीडियोस में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपकी वीडियोस में क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, आपके फेस पर लाइट नहीं आती, आपके डायलॉग्स अच्छे नहीं है, आपकी वॉकिंग अच्छी नहीं हो रही, आप यूजली बहुत रेयरली नर्वस होकर वीडियोस बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एक कोर्स बना के मौज बड़ी हमें प्रोवाइड करा गया है, सिंपल। और वो हमें यही चीज़ बताता है, जब हम इसको सुधारने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में हमें बड़ा अच्छा जुनून मिलता है कि यस अब हम उसको करने लगे हैं, और उसको करते करते हम सब कुछ सीख जाते हैं। अब हमने भी यही करा मौज फॉर क्रिएटर में, मैंने पिछले 3 महीनों में ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तभी मेरे आज 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं और ये 4 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं। तो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ वो सब नज़रअंदाज नहीं करता मौज फॉर क्रिएटर एंड मौज के टर्म्स एंड कंडीशंस और ऑल गाइडलाइंस को नज़र रखते हुए मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ। अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मौज पर अगर आप 3 महीने का टाइम दिया है मौज ने, यानी कि 90 दिनों का टाइम दिया है, तो ये 90 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके एक कोर्स के हैं। इस कोर्स में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, आपके वीडियोज़ में अगर लाइक्स अच्छे नहीं आते, व्यूज़ अच्छे नहीं आते, फेस अच्छा नहीं है आपका, एक्सप्रेशन आप अच्छे नहीं दे रहे हो, एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, कैटेगरी आपकी सही नहीं है, आप जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम आप अपने वीडियोस में कर रहे हो, यही सब बताने के लिए मौज आपके साथ जुड़ा है, ताकि मौज को ये लगे कि यस जो क्रिएटर मेहनत कर रहा है वो मौज के साथ कनेक्ट रहे, इसीलिए आपको पुश करना चाहता है। अब अगर आप अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो आप मेहनत करोगे ना भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ मेहनत, तो वही मेहनत अब आपको भी करनी है। मौज आज है कल नहीं भी होगा। मौज फॉर क्रिएटर अगर आज 30 दिनों के लिए, 30 महीनों के लिए, या 90 दिनों के लिए, या 6 महीनों के लिए, कितने भी दिन के लिए रहे, आप अपने टैलेंट को अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टाइम सीमा अगर आपको किसी ने दी है तो ये भूल जाओ कि उस टाइम सीमा तक ही आपको एक्चुअल सारी चीज़ें मिलने वाली है, नहीं, ये आपके बाद भी मिलने वाली है। लेकिन एक टाइम में, इस टाइम की ड्यूरेशन में वो आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है, और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा है, इसका फ़ायदा उठाया है,
तो आपसे बेस्ट कुछ नहीं है एंड यू आर बिकम अ इन्फ्लुएंसर, बहुत जल्दी आप बनोगे, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो आज के लिए कैसी ये वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतनी दोस्तों, जय हिंद।